अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं बुलाने की इजाजत चाहूंगा मिसेज भारती जी को। इजाजत है। भारती जी। जी। आपके बच्चे हैं? जी, मेरे दो बच्चे हैं। आपकी शादी हो गई है? मेरे दो बच्चे हैं तो शादी तो? जी, ये कोई जरूरी नहीं है, बिना शादी के भी बच्चे होते हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज कंटिन्यू। मैंने पूछा आपकी शादी हो गई है? जी हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। ओके, आपने कभी नंगे व्यक्ति को देखा है? ये कैसा बेहुदा सवाल है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मुझे अपनी बात कहने की इजाजत दी जाए। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। मैंने पूछा क्या आपने कभी नंगे व्यक्ति को देखा है? जी देखा है। किसको? मैं शादीशुदा हूं। ओके, इसका मतलब आपने अपने पति को देखा है? जी। पति के अलावा और किसी को? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं? इस सवाल का केस से क्या लेना देना है? लेना देना है माय लॉर्ड, लेना देना है इस केस से। यू मे प्रोसीड प्लीज। हाँ, तो मैंने पूछा कि आपने पति के अलावा किसी और को नंगे देखा है? वो कोई भी हो सकता है। जी देखा है, मेरे पिताजी को। जी, सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलिए। मैंने कहा कि मैंने उस सिचुएशन में किसी और को देखा है, पिताजी को। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की मर्यादा का ख्याल रखा जाए, प्लीज कंटिन्यू। जैसा भी, ये कोई हंसने की बात नहीं है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो इस कंडीशन में ही नहीं थे कि उन्हें किसी चीज की समझ हो। उनकी दिमागी हालत इस तरह से खराब हो चुकी थी कि उन्हें अपना कोई भी काम करने की सुध-बुध ही नहीं थी। उनके सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे, उनके खाने पीने से लेकर उनकी हर चीज का ख्याल मुझे रखना पड़ता था। और किसी को याद करिए, कोई भी हो सकता है, वो आपका भाई भी हो सकता है। जी, मैंने अपने भाई को भी देखा है, मगर वो उस वक्त बहुत छोटा था। भारती जी, जिस नजर से आपने अपने पिताजी को देखा, क्या उसी नजर से आप अपने पति और भाई को भी देखती हैं? जी नहीं, ये दोनों ही बातें बहुत अलग हैं। हर व्यक्ति को देखने का नजरिया और उनके लिए उनकी भावना अलग होती है। पॉइंट को नोट किया जाए माय लॉर्ड, उस नंगे व्यक्ति के ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं करता है। निर्भर करता है तो उसे देखने वाले लोगों के नजर के ऊपर, कि वो किसको कैसे देखते हैं। एक सड़क पे नंगा व्यक्ति खड़ा है, कुछ लोगों को देखकर उनके मन में गरीबी, बेबसी, लाचारी नजर आती है, तो कुछ लोगों को देखकर उनके मन में अश्लीलता नजर आता है। हाँ तो भारती जी, मान लेते हैं कि एक औरत गर्भ से है और सहयोग से वो पब्लिक प्लेस पे है, और ऐसा कंडीशन आ जाता है कि उसे उसी वक्त बच्चे को जन्म देना पड़े, तो वो क्या करेगी? ऑफ कोर्स उसे बच्चे को जन्म देना चाहिए, लेकिन वो तो पब्लिक प्लेस है, कोई बच्चा पैदा करने की जगह तो नहीं है। उस वक्त देखा ये नहीं जाएगा कि जगह कौन सी है। उस वक्त जरूरी है उसके अपने बच्चे की जिंदगी, क्योंकि वो खुद मौत और जिंदगी के बीच में अटकी हुई है, तो उसे सिर्फ बच्चे को जन्म देने के बारे में ही सोचना चाहिए, ना कि समाज और दुनिया के बारे में। बिल्कुल सही माय लॉर्ड, कभी कभी इंसान इतना बेबस और लाचार हो जाता है कि उसके पास
समाज के नियम और कानून तोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता। आप जा सकती हैं भारती जी। जी माय लॉर्ड, मैं बुलाने की इजाजत चाहूंगा श्री श्री 108 शिवानंद जी महाराज जी को। इजाजत है। शिव 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 शिव। अरे पापी। शिव 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 शिव। कैसे हैं बाबा आप? दूर हट के बात करो, दूर हट के बात करो। ओके ओके। तुम महापापी हो, तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। पुण्य और पाप का ठेकेदार तो आप ही लोग हैं बाबा। तुम नरक में सड़ोगे, तुमने हिंदुत्व की पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश की है। आपका शिव शिव अगर हो गया हो तो मैं कुछ पूछूं? पूछो, लेकिन दूर से ही पूछो। तुम्हारे जैसे पापी के नजदीक जाना भी पाप है। बाबा एक बात बताइए, हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा और महान पर्व महाकुंभ स्नान होता है, जहां हजारों लाखों की संख्या में नागा साधु स्नान करने आते हैं। क्या इससे हमारे हिंदू धर्म की पवित्रता नष्ट नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती है। इससे हमारे हिंदू धर्म की पवित्रता बिल्कुल नष्ट नहीं होती। क्यों नष्ट नहीं होती है? क्योंकि वो साधु हैं, उनके पास लंबे लंबे दाढ़ी और लंबे लंबे बाल हैं इसलिए। क्योंकि वो मोह माया से दूर हैं, यही उनका धर्म पथ है, नैतिक कर्म है। माय लॉर्ड, हर साल महाकुंभ में हजारों और लाखों की संख्या में नागा साधु जब स्नान करने जाते हैं तो हमारे हिंदू धर्म की पवित्रता नष्ट नहीं होती, तो फिर मेरे अकेले जाने से कैसे हिंदू धर्म की पवित्रता नष्ट हो सकती है? इसीलिए कि आप माया मोह में हैं। शिव 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 महाराज जी, एक सवाल और आपसे पूछना है। मान लेते हैं कि आप जिस कटघरे में खड़े हैं उसमें आग लग जाए। शिव शिव शुभ शुभ बोलो, भगवान ना करे ऐसा हो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। नहीं होगा, आप सुरक्षित हैं। लेकिन मान लेते हैं कि आप जिस कटघरे में खड़े हैं उसमें आग लग जाए और वो आग आपके कपड़ों को पकड़ ले, तो आप क्या करेंगे? अरे मूर्ख, तो मैं करूंगा क्या, कपड़े निकालकर फेंक दूंगा और क्या करूंगा। कैसे फेंक सकते हैं आप? यहाँ पे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हर वर्ग के लोग हैं, तो आप महिलाएं हैं पुरुष हैं उससे क्या मतलब है? पहले तो अपने को बचाना है। अपने को बचाना है तो आप पूरे समाज का बिना परवाह किए हुए कपड़े उतार कर फेंक देंगे तो इसे अश्लीलता नहीं फैलेगी और हिंदू धर्म की सभ्यता और संस्कृति बिल्कुल ही नहीं फैलेगी। आग लगेगी तो कपड़ा उतार के फेंकूंगा ही ना। बिल्कुल सही माय लॉर्ड, क्योंकि ये आग हम सबको दिखाई दे रही है, लेकिन एक व्यक्ति के मन की आग इससे भी बड़ी हो सकती है। वो आग की लपटें इतनी गहरी हो सकती है कि वो आदमी आत्महत्या तक कर ले, या समाज के नियम कानून को तोड़कर अपना जान बचाए। आप जा सकते हैं बाबा। माय लॉर्ड, जीवन में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें तर्क के कसौटी पर रखकर नहीं कसा जा सकता। दुनिया में बहुत सारे धर्म और संप्रदाय के लोग हैं। कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईश्वर को, कोई किसी में विश्वास रखता है तो कोई किसी में आस्था। और यह भी हो सकता है अल्लाह को मानने वाले लोग राम और कृष्णा को ना माने, और राम कृष्णा को मानने वाले लोग अल्लाह को ना माने। लेकिन माय लॉर्ड, एक बात से कोई भी इनकार नहीं करता कि जिंदगी और मौत है, जो हमारे सामने हर वक्त मुंह बाए खड़ी रहती है। और यह भी सब मानते हैं कि जिंदगी और मौत परमात्मा के हाथ में है। तो माय लॉर्ड, मुझे भी उस परमात्मा के चौखट पे जाकर सर रखकर अपना फरियाद कहने का मौका दिया जाए। माय लॉर्ड, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्लीज इस बात को और नहीं घसटा जाए। प्लीज माय लॉर्ड, मैं कितना बदनसीब हूं कि मेरी वाइफ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है और मैं यहां एक छोटी सी इजाजत की भीख मांग रहा हूं। आज यहां उसके सर पे होना चाहिए था, वहां झूठे तर्क और सबूत ढूंढने में लगा है।
माय लॉर्ड, मैं ये नहीं जानता कि इस मन्नत से मेरी वाइफ की जिंदगी में कुछ लेना देना है भी या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता माय लॉर्ड, मैं उसे वापस पा सकूंगा या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता उसके आंखों की चमक, होठों की मुस्कुराहट मैं वापस ला पाऊंगा या नहीं। लेकिन माय लॉर्ड, मैं हर वो कोशिश कर लेना चाहता हूं जो मैं कर सकता हूं। अगर माय लॉर्ड मेरी मन्नत से इतना ही परेशानी है तो मैं ये जर्नी रात भी सुन सा सड़कों से दौड़ के पूरा कर लूंगा माय लॉर्ड। कोशिश करूंगा माय लॉर्ड कि कम से कम लोगों के बीच आ सकूं। प्लीज माय लॉर्ड, आपके जो भी शर्त होंगे सारे शर्त मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन माय लॉर्ड, मुझे इजाजत दे दिया जाए सोना, मेरी जिंदगी उसके बिना मैं नहीं रह सकता माय लॉर्ड। प्लीज माय लॉर्ड, सोना मेरी जिंदगी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता माय लॉर्ड। प्लीज माय लॉर्ड, मुझे ये जर्नी करने का मौका दिया जाए माय लॉर्ड। प्लीज मिस्टर आदित्य, मिस्टर आदित्य आप अपना ख्याल रखिए। मिस्टर आदित्य, सोना मेरी जिंदगी है माय लॉर्ड, सोना मेरी जिंदगी है माय लॉर्ड, उसके बिना मैं नहीं रह सकता।